देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने है DTF स्टिकर जो डायरेक्ट डार्क टी शर्ट पे ट्रांसफर होंगे। हम जब सब्लिमेशन करते हैं तो डार्क टी शर्ट पे सब्लिमेशन हो नहीं पाता, तो अपन उस पे क्या करते हैं कि या तो केवल लिख के काम चलाते हैं नाम को, लेकिन कलर जो प्रिंट है वो नहीं दे पाते हम लोग डार्क टी शर्ट पे। तो उसका ये एक हिस्सा है कि इससे हम डार्क टी शर्ट पे भी इस स्टिकर को ट्रांसफ़र कर देंगे। और कैसे इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम अभी पूरी प्रोसेस को देखेंगे, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा और पूरी प्रोसेस को देखिएगा अच्छे से। वैसे कोई ख़ास प्रोसेस है नहीं हीट ट्रांसफ़र का, जो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है, जैसे अपने को कितना टेम्परेचर रखना है, कितना टाइमिंग तक रखना है, ये सब कुछ। हाँ, ये वाला जो काम है वो हम लोग सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल, जिसको सबली फैब्रिक विनाइल भी कहते हैं, उससे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए, मैं एक टी शर्ट आपको बताता हूँ, वो सबली फैब्रिक विनाइल से उसको हमने ट्रांसफ़र किया हुआ है। ये देखिए, कोई खास अंतर है नहीं, आप देखिए। लेकिन इसमें जो है, आप एक चीज समझिए, इसमें आफत बहुत ज्यादा है। आफत की कैसे समझेंगे हम? आफत ये है इसमें कि हम पहले डिजाइन करेंगे, CDR फाइल बनाएंगे, और अगर हम इस डिजाइन को कट करते हैं लेजर में, तो पहले इसका CDR बनेगा, जो भी PLT फाइल बनती है वो बनेगी, वो उसमें कटेगी, कटने के बाद इसमें लगेगा, और लगने के बाद ट्रांसफर होगा। प्लॉटर से होता है तो भी यही प्रोसेस है, लेकिन इसमें आपके पास इतनी लंबी प्रोसेस नहीं है। इसमें डायरेक्ट ये जो शीट है उस पर प्रिंट होके आते हैं, हम किसी थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारे पास अगर प्रिंटर नहीं है ये वाला, तो जैसे हमने इस पे ये प्रिंट करके हमने किसी से जैसे मंगवा लिया, आप ये मैं समझ लीजिए, तो हमें कुछ नहीं करना, इसकी कटिंग करके और उस पर पेस्ट करना है। आगे की प्रक्रिया जारी रखें, आगे वीडियो पर बने रहिए। देखिए, अब हम इसको बहुत सेफ्टी से काट लेते हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर इसका कॉर्नर कट जाता है तो जो वो शेप आएगा वो बहुत क्लियरली नहीं आ पाएगा, या ये कहें कि शेप ठीक से नहीं आएगा। तो जितनी सफाई से हम काम करके देंगे, तल्लीनता से काम करके देंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन उतना अच्छा होगा। तो ये हमारे स्टिकर्स कट के रेडी हैं, देखिए पूरी तरह। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हम जैसे ही इनको पेस्ट इस पे करेंगे तो इस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा पूरी तरह से। इसके ऊपर ना अब हमको प्रिंट करना, ना हमें कोई कटिंग करनी। देखिए, आप रैंडमली इसको कट किया है, बस ये है शेप्स का ध्यान रखा है, बाकी आप देख लीजिए ऐसे ही कटिंग किया है। उसमें हमें जब पेपर काटते हैं तो पूरी से कटिंग करनी होती है, ये आपको मालूम है। सब्लिमेशन पेपर की बात कर रहे हैं हम, सब्लिमेशन पेपर को पूरा शेप में काटना होता है, और वो कटिंग तो होकर आती है विनाइल की, तो फिर उसको सब्लिमेशन पेपर को उस पर पेस्ट करना होता है, और फिर हम हीट प्रेस करेंगे, चार गुना मेहनत। और आप देखिए, अब आगे की प्रोसेस में हम इसको टी शर्ट ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए आगे की प्रोसेस में चलते हैं। जैसे हमने इनको काट लिया है, अब ये जो स्टिकर्स हैं, अब इनमें एक चीज़ देखिए, ऑलरेडी शेप्स बने हुए हैं, अब हमने इनको केवल पेस्ट करना है, वो आप वीडियो में आगे देखेंगे। हम जो सब्लिमेशन प्रिंटिंग करते हैं उसमें ये होता है कि हमें जब पेपर प्रिंट करते हैं सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल पे लगाने के लिए, तो वो पेपर को हमें इस शेप में बराबर से काट के उसके ऊपर पेस्ट करना होता है, जो शायद थोड़ा टिपिकल काम है, थोड़ा सा शेप में गड़बड़ होती है, रेगुलर वर्क वालों को नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत 19-20 होती है। इसमें क्या है, आपका जो ये शेप है, ये देखिए, ये शेप एज इट इज़ आएगा, वो ये कभी भी आउट नहीं होगा, मिस नहीं होगा। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्वालिटी का डिफरेंस आता है, कलर का डिफरेंस आता है, और बहुत प्रीमियम ये चीज़ लगती है सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल की अपेक्षा। वो ठीक है, सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल अपनी जगह है, लेकिन ये चीज़ अपनी जगह है, दोनों का अपना काम है, दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। वो फैब्रिक जैसा लुक देता है, और ये जैसे कपड़े पे ही प्रिंट हो रहा है उस तरह का लुक देता है, आपको प्रिंट होने के बाद भी ये चीज़ दिखाएंगे।
ये दोनों में ये डिफरेंस है। और उसमें जब हम प्रिंट करते हैं तो वो लगता है कि हाँ जैसे कि कपड़े में हमने प्रिंट किया हुआ है। देखिए हम आपको बताते हैं। ये देखिए, आप इसको ठीक से देखिए, बिल्कुल एकदम फैब्रिक है। और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो ये चीज़ है। ये देखिए आप, थोड़ा सा जो इसके कॉर्नर्स हैं वो आउट हो जाते हैं। आप ये देखिए, अच्छे से देखिए, यहाँ बराबर है और यहाँ पे थोड़ा आउट हो रहा है। ये देखिए मोटा मोटापन इसका, बस यही चीज़ दोनों में। और कलर में भी देखिए आप, डिफरेंस है, आपको दिखेगा थोड़ा। इसमें कलर की हार्डनेस थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि दोनों का जो सरफेस है वो अलग है, मीडियम अलग है, दोनों अलग है, इसलिए कलर में भी डिफरेंस आता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। आगे चलते हैं वीडियो में। ये देखिए आपकी टी शर्ट रेडी है और अब हमने इस पे ये लगा दिया है। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप इस पर जो है ये सब्लिमेशन टेप, हीट ट्रांसफ़र टेप जो होती है वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब हम उसमें लगाते हैं इसको तो थोड़ा सा इसका जो शेप है ना, जो आप देखिए डायमेंशन को देखिए आप, एक बिल्कुल सेंटराइज इसको करके हमने लगा रखा है। अगर वो इधर से इधर भी होता है तो अपने को अच्छा काम करके कस्टमर को देना है। आप देखिए बिल्कुल सही लग रहा है। अब जैसे ही हम इसको लगाते हैं, ये देखिए हमने लगाया हुआ है ऑलरेडी, तो वो हिलने का काम नहीं है जब हम इसमें फंसाते हैं, क्योंकि इसमें कॉलर है, इसलिए हमको क्या है कि मशीन के अंदर चला के इसको लगाना होता है। अब जब हमने इसको लगाया है, आप देखिए, तो जब हम इसको हीट ट्रांसफ़र करेंगे 10 सेकेंड के लिए, तो हीट ट्रांसफ़र करने के बाद आप देखिए हिलेगा नहीं। और लोग क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट से लगा के, और आपको जब सिखाते हैं वो, तो डायरेक्ट लगा के वो इसको और आपको करने को कहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टेप का यूज़ ज़रूर करें। टेप का यूज़ करने से स्टेबल रहता है, ये हिलता नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको आगे बढ़ते हैं और इसका हीट ट्रांसफ़र के लिए इसको भेज देते हैं। सबसे आसान तरीका, आप दो लोग भी इस काम को कर सकते हैं आसानी से। देखिए एक एक पर्सन आप इधर इस काम को करते रहिए, एक व्यक्ति ये काम कीजिए। अब आपकी मशीन आ चुकी है, चलिए हम ट्रांसफ़र के लिए इसको लगाते हैं। ये आपकी मशीन आ गई है, 350 इसका टेम्परेचर होगा। ये 350 हमने इसको आने दिया है, 351 हम इसको होने देंगे। ये देखिए हमें कुछ नहीं करना है, जो इजी प्रेस करना है इसको, बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं रखना है। प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो इसको बहुत नॉर्मल प्रेशर, 53 हो गई है। अब ये चालू कर दिया हमने, ओनली 15 सेकेंड। आप देखिए 15 सेकेंड हो चुके हैं, 2-3 सेकेंड ज़्यादा कर लें, इससे हमारी एक संतुष्टि रहती है। चलिए अब इसको हटा लेते हैं हम। ये आपकी ट्रांसफ़र हो चुकी है, सेफ्टी से इसको हटा लेंगे हम यहाँ से। ये देखिए हमने इसको हटा लिया है, इसको हल्का सा कोल्ड होने देंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है कोल्ड होने की, ये कोल्ड हो चुका है। अब हम इसको हटा लेंगे। ये देखिए आप प्रिंट की क्वालिटी देखिए, क्या ज़बरदस्त क्वालिटी। तो ये था दोस्तों DTF प्रिंट जो हम आपको समझा रहे थे। आप देखिए कितनी बढ़िया क्वालिटी है, और ये सब अब इस पे ट्रांसफ़र होने वाले हैं। आपको एक डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है दोनों में, ये देखिए इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ये पूरी तरह कपड़े में मेल्ट हो गया है। ये सब कुछ देखिए आप, कपड़ा ही है एक तरह से, ये मान लीजिए धोने से वगैरह से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, पूरी तरह मेल्ट हो चुका है। ये गमिंग है इसका थोड़ा बहुत, ये तो हट जाता है। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एकदम। आप एक चीज़ देखिए दोनों में डिफरेंस, ये एकदम, आप ये मान लीजिए फैब्रिक ही है, मान लीजिए नहीं फैब्रिक ही है, बस हल्का सा जो सब्लिमेशन के जो 4 कलर वाला जो प्रिंटर होता है उसमें जो कलर्स वो बना पाता है उस अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन ये डिफरेंस देखिए आप कलर का, क्या गजब की शार्पनेस है। ये मेजर डिफरेंस है एक तो कलर का, और आप देखिए ये कपड़े में मेल्ट हो गया, बिल्कुल पतला है कपड़े में एकदम। देखिए आप, ये मैंने पूरा कर दिया,
और ये दिक्कत दोनों में नहीं है, ये भी नहीं हटेगा वो भी नहीं हटेगा, बस इतना सा है कि ये कड़क रहता है और वो कपड़े में मेल्ट हो गया एकदम से। इसका कलर थोड़ा सा अलग आता है और इसकी शार्पनेस तो क्या बात है, देखिए आप। तो ये हमारा DTF प्रिंटिंग और थोड़ा सा दोनों चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी, दोनों में डिफरेंस भी बता दिया और दोनों चीज़ें भी बता दी कि दोनों को कैसे करते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।